शनिवार को कड़ाके की सर्दी के बीच जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी देखी गई है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी ज्यादा प्रभाव भी देखा गया है और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देखी गई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार को भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश और बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई। श्रीनगर में तापमान जमाव बिंदु के नजदीक दर्ज किया गया। हालांकि श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के लिए अपनी यात्रा को जारी रखा। कटरा की बर्फबारी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि माता के मंदिर के आसपास पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, साथ ही हल्की बर्फबारी हो रही है। शोपिया में सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर पारा माइनस डिग्री में चला गया है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाके भीषण सर्दी की चपेट में है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं, साथ ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। सर्द मौसम और हवाओं के बीच 8 और 9 जनवरी को मौसम विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।